टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार के बाद टीम इंडिया और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर लगातार सवाल हो रहे थे। इन सवालों के बीच सबको इंतजार था तो बीसीसीआई की एनुअल रिव्यू मीटिंग का, जहां कई बड़े और अहम फैसले लिए जाने थे। बीसीसीआई ने रविवार को रिव्यू मीटिंग की, जिसमें टीम के परफॉर्मेंस और आगे की प्लानिंग के बारे में चर्चा हुई। बीसीसीआई की नजर अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 पर टिकी है। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर पिन्नी और जय शाह के अगुवाई में इस बैठक में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, एनसीए हेड वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद रहे। खास बात ये रही कि बीसीसीआई ने यह तय किया है कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभी से 20 प्लेयर्स का चयन किया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के हिसाब से वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभी से ही 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करने का फैसला लिया है। इनके फिटनेस, तैयारी और वर्कलोड का ध्यान रखा जाएगा और रोटेशन में मौका दिया जाएगा, ताकि आने वाले वर्ल्ड कप तक खिलाड़ियों की रिदम बरकरार रहे। पिछले टी20 वर्ल्ड कप और कई बड़े टूर्नामेंट की गलतियों से बीसीसीआई ने यह सबक जरूर लिया है। इसके अलावा बोर्ड का एक अहम निर्णय यह है कि एनसीए अब खिलाड़ियों और आईपीएल फ्रेंचाइजी के संपर्क में रहेगा, ताकि वर्ल्ड कप और अन्य इंटरनेशनल मैचों के मद्देनजर खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज किया जाए। साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ पूल में शामिल प्लेयर्स को आराम देने या ब्रेक देने की छूट देने पर भी मंथन करेगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो बीसीसीआई का कहना है कि अगर आपको वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर छुट्टी लेनी है तो आप आईपीएल से ले लो, इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रिव्यू मीटिंग में बीसीसीआई ने अब यो-यो टेस्ट की वापसी का ऐलान कर दिया। बता दें कि कुछ वक्त पहले यो-यो टेस्ट पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इसे एक बार फिर से वापस लाया गया है। यानी कि अगर कोई प्लेयर इंजरी से आता है या दो सीरीज के बीच में एक बड़ा ब्रेक लेता है तो उस खिलाड़ी को यो-यो टेस्ट देना होगा। इसके अलावा डेक्सा भी सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, जो टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर भी लागू होगा। इमर्जिंग खिलाड़ियों को अब घरेलू सीरीज में लगातार खेलना होगा, ताकि वो नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए तैयार हो सके। बहरहाल बीसीसीआई के इन तमाम नए नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।